खबर 24 लाइव न्यूज। बड़ी खबर, जौनपुर से निमणे थाना अंतर्गत ग्राम सभा सजनी पुल के पास तमंचा के बल पर हुई 2.5 से 3 लाख की जेवरात की लूट, क्षेत्र में मची सनसनी। बता दें, प्राप्त जानकारी के अनुसार भवानीगंज के निवासी किशन अपनी ज्वेलरी की दुकान बासुपुर जाते समय सजनी पुल के पास तमंचे के बल पर दो अज्ञात बाइक सवार लोगों ने लगभग 2.5 से 3 लाख के आभूषण की लूट कर हुए फरार। नहीं रहा पुलिस का खौफ, मामले की जांच में जुटी निमणिया थाने की पुलिस। दिखाते खबर 24 लाइव न्यूज की यह रिपोर्ट। क्या मामला था? मामला यह था कि हम रोज़ की तरह दुकान के लिए निकले थे, 9 बजे की बात है, 9 बजे हम घर से निकले और 9:10 पे दो लोगों ने हमको ओवरटेक किया। कहाँ जा रहे थे आप? दुकान के लिए जा रहे थे, दुकान हमारा बासुपुर में है। अच्छा, दुकान के लिए जा रहे थे और जैसे हम मतलब जोगी भीर ब्रह्म बाबा जैसे हम क्रॉस किए हैं तो हम पीछे देखे अपने शीशे में तो एक साइन वाला था और हमको मतलब बड़ी तेज़ी से हमारा पीछा कर रहा था। अच्छा, तो हमको लगा कि ये हमारे पीछे लगा है, जिस हिसाब से हमने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, फिर पीछे शीशा में देखे तो एक पल्सर आया जिसमें उस पर एक आदमी बैठा था और जैसे ही वो हमारे करीब आके हमारे पीछे मतलब बंदूक लगा दिया, कट्टा लगा दिया। अच्छा, और हम उस कट्टे को छीनने के लिए अपनी एक हाथ छोड़े बाइक से, तो कट्टा तुम छीन लिए, जैसे कट्टा छीने उसने मुझे तुरंत पैर से मतलब मेरी बाइक पर लात मारा और मैं गिर गया। उसके बाद उतरते के साथ उसने मेरे सर पर वार किया और डिग्गी खोल के हमारा सारा सामान निकाल ले गया और पूरी तरीके से हमारा तलाशी लिया और उसके बाद हमारा फ़ोन हमारे जेब। सामान कितने का होगा? लगभग उसमें 3.5 से 4 किलो के बीच में चांदी था और 100 और 75 ग्राम के बीच में सोना था। तो कितने का होगा लगभग? अभी तो भैया इतना बताना कंफर्म नहीं है, हम क्या बताएं आपको। अनुमानित लागत कितना होगा? वही 3-3.5 लाख रुपए के आसपास में है। 3.5 लाख? हाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? किसान है। आपका घर कहाँ पड़ेगा? भवानी है। थाना? नवणिया है।